अर्थशास्त्र में आज हमको पढ़ना है NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए आज हम देखते हैं कि यह कब और क्यों हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि यह छ अगस्त 1952 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। यह केंद्र सरकार तथा राज्य के योजना के बीच ताल में तालमेल बनाया गया। अब आप लोग समझ लीजिए NDC के मतलब क्या होता है। NDC का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसे बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में योजनाओं का तालमेल बनाए रखने के लिए तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए इसका गठन किया गया। भारत के प्रत्येक राज्य से जुड़ता है। इस परिषद के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि बना तो आप लोग जान गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल बैठाने के लिए यह बनाया गया और यह बन भी गया। ये जब तालमेल बन गया तो भारत के जितने प्रत्येक राज्य में इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया ताकि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से देखरेख करेंगे। तो आप लोग के एग्जेक्टिव में बार बार आता है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। देखा गया है राष्ट्रीय भारतीय विकास का गठन कब हुआ था, हम लोग क्या बोलेंगे 6 अगस्त 1952 को यह हुआ था। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
मौद्रिक विकास के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है, मौद्रिक विकास के बारे में अब हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। 21वीं शताब्दी में मौद्रिक मौद्रिक विकास का विकास 21वीं शताब्दी में मौद्रिक विकास पूर्ण रूप से हुआ। इससे पहले या इससे पहले का इतिहास बहुत इससे पहले का इतिहास बहुत ही अजूबा है। चलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि मुद्रा का सबसे पहले विकास मुद्रा का सबसे पहले चीन में विकसित किया गया। यानी सबसे पहले अगर मुद्रा का सबसे पहले चीन में क्या किया गया था, विकसित किया गया था, या मुद्रा का सबसे पहले काम हुआ था चीन में हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं मौद्रिक प्रणाली क्या है। 21वीं शताब्दी में मौद्रिक प्रणाली का विकास पूर्ण रूप से हुआ था। इससे पहले का इतिहास बहुत अजूबा है। पहले हम लोग को वस्तु को लेन देन करने के लिए हम लोग अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। जैसे मान लो कि कोई चीज़ अगर हम लोग खरीदना है तो उससे क्या करना पड़ता था, लेन देन करना पड़ता था। सपोज करो कि अगर हम लोग को गाय लेना है, भैंस लेना है, तो उसके बदला में हम लोग को क्या देना पड़ेगा। जैसे आटा लेना है तो आटा के बदला में हम लोग सतुआ दे देते थे, चावल लेना है उसके बदला में गेहूँ दे देते थे, धान लेना है उसके बदला में हम लोग माका दे देते थे। लेकिन जब आती थी सोना चांदी की बात, आती थी का अन्य प्रकार की बात, कपड़ा से हम लोग कपड़ा कैसे ले पाएंगे, दूध से हम लोग तो दूध ले सकते हैं, दूध से दही ले सकते हैं, लेकिन अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कब की बात है, 21वीं सदी जब आया तब हम लोग का मुद्रा का विकास हुआ और हम लोग लेन देन की सुविधा बढ़ी। लेकिन इससे पहले की घटना है और यह जो इतिहास से बहुत अजूबा है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा क्या हुआ, दिक्कत हुआ। अब हम लोग बताया जा रहा है कि जब 21वीं सदी हुआ था उस समय मुद्रा का विकास हो गया, किसी भी वस्तु को लेने देने में कोई या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब देखिए यहाँ पर लेने देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेने देने की प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी एक वस्तु से एक वस्तु को बदलना, एक वस्तु से एक वस्तु को, चाहे कोई भी चीज़ होता है। आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके बदला में आप लोग मुझे पैसा दे रहे हैं। मैं आप लोग अगर मेहनत कर रहा हूँ तो उसके बदला में हम आप लोग से क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी वाला लेके जाता है, उसके बदला में आपसे क्या करता है, पैसा लेता है। अगर मान लीजिए आपको चावल आटा खरीदना होता है, उसके बदला में आप लोग जाके क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो अपना एक वस्तु देते हैं तो उनसे एक वस्तु क्या करते हैं, लेते हैं। तो यह वस्तु लेने देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या बोलते हैं, प्रणाली कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं।
जगह है। अब हम लोग लिखा गया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु के लेने देने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय, लेने देने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए वस्तु से वस्तु के लेने देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आप लोग बता रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे मैं इसको तभी से देखते हैं, जैसे मैं आटा के बदला हम लोग सातू दे देते हैं, चावल के बदला हम लोग गेहूँ दे देते हैं, ठीक है ना, चावल के बदला हम लोग कपड़ा दे देते हैं, ये चीज होता है। यानी इस वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को क्या करना, बदलना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना, इसलिए इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहा जाता है, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदला जाता है, ठीक है ना, वस्तु वस्तु में लेन देन होता है, एक वस्तु दो और एक वस्तु लो, एक वस्तु दो और एक वस्तु लो, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देखना हम लोग का मौद्रिक प्रणाली किससे कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली किससे कहते हैं, मुद्रा को, मुद्रा से वस्तु को क्रय विक्रय, मुद्रा से वस्तु को क्रय विक्रय प्रक्रिया को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु को बेचना है तो हम लोग पैसा से बेचेंगे, अगर किसी वस्तु को खरीदना है तो हम लोग पैसा से कर देंगे। जैसे 10 रुपये के 1 केजी आटा हो गया, तो हम लोग ने 1 केजी आटा खरीदा तो कितना रुपया दिया, 10 रुपया। अगर हम लोग 1 केजी आटा को बेचेंगे तो हम लोग कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपया। बस समझ रहे हो ना, यानी इसमें क्या होता है, मुद्रा से वस्तु को क्रय मूल्य किया जाता है, अगर हम बेचेंगे तो पैसा से, खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, पैसा से। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। समझ में ना, जो हम लोग क्या करते हैं, पैसा से क्या करते हैं, बेचते हैं, और पैसा से हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, मुद्रा से देते हैं, और मुद्रा से क्या करते हैं, लेते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। गया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश की कुल आय है जो देश में निर्माण सभी वस्तुओं के बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। साधनों की आय के बराबर होती है, यह साधनों की आय के क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या होता है, आय के बराबर होता है। चलिए हम आप लोग को समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एकदम दो से तीन दिन के अंदर में समझा देंगे। हम जो प्रक्रिया देख रहे हैं आप लोगों को समझने का, बहुत जल्दी समझाना उचित हो गया है। लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, अगर हम लोग राष्ट्रीय आय हमेशा लोग एक साल पर निकालते रहता है, एक साल पर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते रहते हैं कि हमारे देश में कितना बिचाया है, कितना खर्चा है, इसको हम लोग गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो हम लोग देश में जो वस्तु का निर्माण होता है और क्या करते हैं, उसको हम लोग बेचते हैं, और बेच के उससे हम लोग क्या करते हैं, पैसा इनकम कमाते हैं, या पैसा हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। और क्या होता है, जो हम लोग का वस्तु का खर्चा निकालने के बाद जो लाभ बचता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। यानी सब कुछ कर लो कि एक कापी बनाने में, एक कापी बनाने का खर्च हम लोग का 20 रुपया हो गया, तो एक कापी बनाने में 20 रुपया हो गया। और मान लीजिए एक वर्ष मान के चलो कि 10,000 कॉपियों को बना लिए, एक वर्ष में 10,000 कॉपी बना लिए, ठीक है ना। एक वर्ष में हम लोग एक कॉपी का दाम कितना रुपया था, 10, ठीक है ना। और हम लोग ने 10,000 कॉपी का कर लिया, एक साल बना लिया, तो एक साल में हम लोग कॉपी अगर बेचेंगे 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो हम लोग ने इसको उचित मूल्य हुआ, हम लोग जितना लगा उतना पर बेच दिए, जितना लगा उतना पर क्या कर दिए, बेच दिए। अब देखिए होता क्या है, अगर मानेंगे इसी को हम लोग 1,20,000 में बेचते, ठीक है ना, 1,00,000 कितना बेचते, 20,000 में बेचते, तो हम लोग का 20,000 का होता लाभ होता, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय की तुलना किया गया है, ठीक है, कि एक वर्षों में जितना वस्तु को क्या करते हम लोग बेचते हैं, वो साधन क्या होता है, बराबर होता है, साधनों का होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।